डॉक्टर साहब के नाम से तो सभी लोग परिचित हैं और संभवतः सर्वाधिक गोष्ठी विचार पुस्तकें सेमिनार्स अंबेडकर जी के संबंध में देश में और विदेश में किए जाते हैं। बहुत लोग उनको मानते हैं कि हमारे मसीहा थे, ईश्वर स्वरूप थे, लेकिन बहुत लोग उनको महापुरुष मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि एक वर्ग के नेता थे, लेकिन बहुत लोग मानते हैं नहीं, ऐसा नहीं, वे संपूर्ण मानव जाति के लिए एक महापुरुष और नेता थे। कुछ लोग उनको राष्ट्रीय महापुरुष मानते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महापुरुष थे। कुछ लोग मानते हैं वे गांधी जी के विरोधी थे, कुछ लोग मानते हैं गांधी जी और उनके दोनों के अंततोगत्वा लक्ष्य और उद्देश्य एक ही थे। कुछ लोग उनको अनुसूचित वर्ग का नेता मानते हैं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं नहीं, वे संपूर्ण राष्ट्र के एक महान नेता थे। कुछ लोग मानते हैं वे क्लास स्ट्रगल में विश्वास करते थे या मार्क्सिस्ट थे, लेकिन डॉक्टर साहब ने हमेशा क्लास स्ट्रगल का विरोध किया। मार्क्सिस्ट का भी बहुत स्थान पर प्रबल विरोध उन्होंने किया। और इस तरह से हम देखते हैं कि उनके बहुत सारे आयाम, बहुत सारे स्वरूप लोगों के सामने आते हैं। लोग एक पक्ष देख करके उनके संबंध में निर्णय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका जो संपूर्ण जीवन है वो बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है, और एक एंगल से देखने पर वो एक एंगल के ही दिखते हैं। ऐसा लगता है कि वे यही स्वरूप में हैं। बहुत लोग जानते हैं कि बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, अच्छे अर्थशास्त्री हैं। कुछ लोग मानते हैं वे सोशियोलॉजिस्ट हैं, समाजशास्त्री हैं। उनके रिसर्चेस को देख के लगता है वे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, लेकिन वे लेबर लीडर भी हैं, लेबर मिनिस्टर भी हैं, वे लॉ मिनिस्टर भी हैं। वे अच्छे महाविद्यालय प्रारंभ करते हैं, एजुकेशन पर जोर देते हैं, वे एजुकेशनिस्ट लगते हैं। वे समाचार पत्र चलाते हैं, संपादक भी है, जर्नलिस्ट भी है, वो पॉलिसी मेकर्स भी है, वे सोशल रिफॉर्मर्स भी है, वो बैरिस्टर भी है, कंपेरेटिव रिलीजन्स की अथॉरिटी भी है, कॉन्स्टिट्यूशंस के एक्सपर्ट भी है, फाइन ओरेटर है, पार्लियामेंटेरियन भी है। हम कह सकते हैं कि सो मेनी वर्च्यूज विजडम्स एंड नॉलेज केम टुगेदर ऑल असेंबल्ड इन वन। ऐसा देखते हैं ध्यान में आता है कि बहुत सारी ऐसी विविधताएं एक ही शरीर के अंदर एकत्रित हो गई है। डॉक्टर जॉनसन कहते हैं द ट्रू जीनियस इज द माइंड ऑफ लार्ज जनरल पावर्स एक्सीडेंटली डिटरमाइंड टू सम पर्टिकुलर डायरेक्शन रेडी फॉर ऑल थिंग्स बट चूजन बाय सर्कमस्टेंसेस फॉर वन। विधि ने, नियति ने, परिस्थितियों ने अनेक क्षमताओं के ऐसे प्रज्ञ व्यक्ति को कुछ विशेष काम के लिए प्रेरित किया और संपूर्ण समाज के अंदर एक बड़े परिवर्तन के लिए वे लग गए।